यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नयन्यतस्ति इति वादिनः कामात्मनां स्वर्गं परः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न कराने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के लिए आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है कि जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं।